अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन और बजट बार्ड चैनल पर। और साथ ही उम्मीद रखता हूं आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अच्छे अच्छे से कामों में बिजी होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है कि लव बजट बार्ड के बेबी को हैंड फीडिंग कैसे करवाते हैं, तो वो वीडियो आज बनाकर दिखाता हूँ। इससे पहले हैंड फीडिंग पम्प पर वीडियो बनाई थी, और काइंडली आप आज जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें, उसमें डिटेल लिखी हुई होती है, तो वहाँ पर आप देख लिया करें। वहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो चीज़ें अहम होती हैं, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लिया करें। और अभी आपको लाइव हैंड फीडिंग करके दिखाता हूँ, काइंडली आप वो वीडियो देख लें, उम्मीद है और भी समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, हैंड फीडिंग के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो हैं, हैंड फीडिंग के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें हैंड फीडिंग पम्प हैं जो हमने बनाया था, और बाकी ये चीज़ है, ये येलो सी चीज़ आप देख रहे हैं, ये बेसन है, बेसन जो कि हम नॉर्मली घर में इस्तेमाल करते हैं। तो हैंड फीडिंग फार्मूला आप ले सकते हैं मार्केट से, बट वो महंगा है, इसलिए मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी कि और मेरे यानी कि माशाल्लाह से बेबी ऐसे हैं भी नहीं कि मैं उन्हें हैंड फीडिंग कराऊँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं एक बेबी को पकड़ के हैंड फीडिंग करवाता हूँ। बेसन भी बेहतरीन चीज़ है, आप इसे हैंड फीडिंग करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने एक ज़ेब्रा फिंच के बेबी को हैंड फीडिंग करवाई थी, तो वो अब बड़ा हो गया माशाल्लाह से, तो बेसन की हैंड फीडिंग। तो अभी मैं इसे यूज़ कराता हूँ, आपको दिखाता हूँ और बनाता भी हूँ आपके सामने कि किस कितनी लिमिट में या कितना गाढ़ा होना चाहिए या पतला होना चाहिए, तो वो आप सब देखें। ये देखें फ्रेंड्स, हमने इसमें इतना पानी डालना है कि ये ज़्यादा गाढ़ा ना हो और पतला हो। हम इसको मिक्स कर लेते हैं, ये भी बहुत गाढ़ा है, हमने इसे पतला करना है। फ्रेंड, आपने इसको अच्छे से हिला लेना है ताकि इसमें जो यानी कि दाने नुमा चीज़ें बन जाती हैं या चिपक जाता है आपस में बेसन, तो वो सॉल्व हो जाए यानी कि हल हो जाए पानी में अच्छी तरह से। ये अभी भी थोड़ा गाढ़ा है, आप इसे पतला कर लें ताकि मेरे पास जो बेबी है वो तो बड़ा बेबी है, लेकिन छोटा बेबी होगा तो उसे ज़्यादा गाढ़ा फीडिंग करवाने में मसला होगा। तो ये देखें फ्रेंड, अब ये बेहतर है, इस तरह से आप हैंड फीडिंग करवाएं अपने बजीज को। ये अब तैयार हो चुका है, तो इसकी एक सुरिंज भर रहा हूँ मैं, यानी कि हैंड पंप जो हमने बनाया था घर पे, बनाया था जो हैंड पंप। फ्रेंड, ये मैंने हैंड पंप भर लिया है। फ्रेंड्स, ये देखें, ये बजरी का बच्चा मैंने पकड़ लिया, इसको हैंड फीडिंग करवा के दिखाता हूँ आपको, तो आप इस तरीके से इसे पकड़ें। और ये देखें फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने इसे हैंड फीडिंग करवाना है, आहिस्ता आहिस्ता, ये इसकी आंख में चला गया, खैर कोई बात नहीं, सेट हो जाएगा। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता आप हैंड फीडिंग करवाएं। ये देखिए फ्रेंड, ये हैंड फीडिंग कर भी रहा है, ये फ्रेंड, ये देखें, ये हैंड फीडिंग कर रहा है। फ्रेंड, ऐसे आप अपने बजीज के बर्ड को भी हैंड फीड, बजीज के बेबी को भी हैंड फीडिंग करवा सकते हैं। तो
फ्रेंड इस तरह से आपने हैंड फीडिंग करवाने अपने बजीज बेबी को। अभी मैं इस पट्टे को छोड़ रहा हूँ और आप अपने बजीज को हैंड फीडिंग करवा सकते हैं। देखें ये माशाल्लाह से पट्टे का आप साइज़ देखें, ये देखें बेहतरीन साइज़ है इसका, ये देखें। ये अभी भी चिपका हुआ कि मैं इसे और फीडिंग दूं, बट मैं अभी इसको वापस छोड़ूंगा। फ्रेंड इस तरह से आप अपने बजीज के बेबीज़ को हैंड फीडिंग करवा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगी हो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दुआ में याद रखिएगा। आप मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे आज ज्वाइन करने का जो पेज है वो है आप सर्च फेसबुक के सर्च बार में जाकर लिखेंगे इंफॉर्मेशन ऑफ बजीज बर्ड तो वहाँ पर मेरा चैनल शो हो जाएगा। जो पिक्चर यूट्यूब पे है वही सेम पिक्चर वहाँ पे प्रोफाइल पिक है, तो आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।